महतारी वंदन योजना की प्रारंभ होते ही इस योजना के फॉर्म भरने को लेकर पार्षद के कार्यालय में भीड़ देखी जा रही है। साथ ही नगर पालिका निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय में इस फॉर्म को जमा भी कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश शासन के द्वारा महतारी वंदन योजना का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रत्येक विवाहिता महिला को 1,000 रुपये प्रतिमाह देने की घोषणा की गई है। इसके लिए महिलाओं द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है और इस प्रतिवेदन में वार्ड पार्षद के द्वारा विभिन्न प्रकार के प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिसे पाने के लिए सभी पार्षद कार्यालय में महिलाओं की भीड़ देखी जा रही है। इसी कड़ी में वार्ड 21 की पार्षद नेहा साहू के कार्यालय में भी महिलाओं की भीड़ देखने को मिली, जहां महिलाओं ने महतारी वंदन योजना में लगने वाले विभिन्न प्रमाण पत्र प्राप्त किए। यहाँ पे हैं हमारे महिला बाल विकास विभाग से भी हैं कर्मचारी, निगम कार्यालय से भी हैं सभी कर्मचारी जो ले रहे हैं, स्कूटनी कर रहे हैं और जमा भी ले रहे हैं। हाँ, उनके लिए है आधार कार्ड ला के वो अपना ले सकते हैं फॉर्म यहाँ से। हाँ, जमा भी कर सकते हैं। 3 काउंटर बनाया गया है लेने और चेक करने, स्कूटनी करने के लिए और भी जमा लेने के लिए। 20 तारीख 20 फरवरी। जहाँ एक तरफ महतारी वंदन योजना के फॉर्म प्राप्त करने के लिए महिलाओं की होड़ लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ जिन्हें यह फॉर्म प्राप्त हो चुका है वह इस फॉर्म को भरकर जमा कर रहे हैं। यह प्रक्रिया नगर पालिक निगम भिलाई के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालय में संपन्न हो रही है। इस योजना में फॉर्म प्राप्त करने एवं उसे जमा करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी तय की गई है। इसकी जानकारी महतारी वंदन योजना के नगर पालिक निगम भिलाई की नोडल अधिकारी रीता चतुर्वेदी ने एसीएन न्यूज टीम को दी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि महतारी वंदन योजना 2024 जो है अभी सरकार द्वारा लॉन्च हुई है, और उसके तहत में माताएं बहनें जो हैं बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं, आ रही हैं, अपने फॉर्म जमा कर रही हैं और इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर कोई इच्छुक है, तो इसी की भीड़ है। एज अ पार्षद हम जो हैं हमारे यहाँ वार्ड में जैसे बहुत सी हमारी माताएँ बहनें हैं जिनके पास छत्तीसगढ़ मूल निवासी नहीं है, तो हम उनको हमारे तरफ से एक निवासी दे रहे हैं जो हमारे वार्ड का निवासी होता है। हम वार्ड का एक निवासी प्रमाण पत्र दे रहे हैं, और बहुत सी माताएं बहनें हैं जिनके पास विवाह पंजीयन नहीं है, तो हम उनको भी दे रहे हैं एक फॉर्मेट के तहत। और कई महिलाएं हैं जो परित्यक्ता हैं या तलाकशुदा हैं लेकिन उनके पास सही से डॉक्यूमेंट नहीं है, तो हम उनको भी एक फॉर्मेट पे सत्यापित करके दे रहे हैं, ताकि उनको किसी भी पेपर या किसी भी डॉक्यूमेंट की कमी के कारण इस योजना से वंचित ना रह जाए। 20 तारीख इसकी अंतिम तारीख है, और जैसा कि आप देख रहे हैं हर एक कार्यालय में बहुत भीड़ है, तो जल्द से जल्द लोग इस योजना का लाभ उठाने के लिए इच्छुक। गौरतलब है कि बहुत जल्द ही लोकसभा चुनाव भी आने वाले हैं और इसके पहले इस योजना का क्रियान्वयन पूरा किया जाना है, ताकि प्रदेश की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए इस योजना के तहत 1,000 रुपये प्रतिमाह महिलाओं को दिया जा सके। एसीएन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।